पूरे संभाग में एकमात्र दलित एससी की सीट अनुसूचित जाति के रूप में देवगढ़ में है, और राजस्थान में हम दो रेगर हैं, उस रेगर को भी, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाटू श्याम ममता जी उनको भी परेशान किया जा रहा, यहाँ देवगढ़ में रेगर बैठ गया इसलिए इनको सेम नहीं हो रहा, यहाँ भी मुझे परेशान करके निलंबित करा दिया। 13 तारीख को जो घटना हुई, एक पत्रावली जो 2019 से पेंडिंग थी और 4 साल से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे उन्होंने साहब, तो जब पत्रावली को देखा गया मैंने कहा मिस्टर या तो इसको खारिज करो या निस्तारित करो या इसका काम करो, बेचारे 4 साल से चक्कर काट रहे हैं। और उस पत्रावली को जब देखा गया तो 17 सितंबर 22 का उसमें टाउन प्लानर की राय थी, उसके बावजूद काम नहीं किया गया, फिर उसको 13/4/22 में उसको निरस्त बता दिया, फिर उन्होंने वापिस राय मांगी, वापिस राय आ गई, कुल मिला के उस काम को अटकाना था। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था बातचीत बेस में बदल गई, और बेस मात्र बेस थी, सामान्य जो वार्तालाप होती है वो थी, और उसके बाद मैं बाहर निकल गया कक्ष से। इसके बाद इन्होंने कर्मचारियों पर दबाव बना के और नैतिक शासन का दबाव बना के हड़ताल पे बैठा दिया। जब मैंने 14 तारीख को इनको मनाया, 16 तारीख को मनाया, हमने पार्टियों के साथ सबके साथ यहाँ आके इसी धरना स्थल पर मनाया कि देवगढ़ नगर हित में उठ जाओ, अपना काम धंधा संभालो, सफाई करो, लेकिन एक नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो मेरे द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत 50/7 के अंतर्गत जिसमें देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखने अपने हस्ताक्षर और बोर्ड से वो अधिकार है, जब एक ने मुझे पावर दिया मैंने अपना हक का इस्तेमाल किया, उनको सूचना पत्र दिया, अरे उससे कहते हैं आक्रोशित हो गए, अरे भाई हड़ताल तुम कर रहे हो, तुम्हारे को ये पता नहीं देवगढ़ के हित में हमको काम करना चाहिए, सरकार वेतन दे रही है इसके लिए हमको उठ के देवगढ़ की सफाई करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। बोलो मैंने 18 तारीख को ये साहब का सूचना पत्र दिया, आपके पास जो रेकॉर्डिंग व्यवस्था है उससे आप देवगढ़ की सफाई कराओ, लेकिन उसमें भी नहीं सुनी गई। अरे जो पत्र देने का अधिकार है उसको भी छिन्नों के लेटर से 5 अगस्त 1956 के एक्ट से मेरे लेटर को पास किया गया जो अवैधानिक था, यानी आदमी को कब तक दबाओगे, कितना अत्याचार करोगे, कितना उसको दबाओगे। अब हम तो ये कहते हैं कि मैंने प्रण लिया है कि देवगढ़ की माटी में जन्मा हूं तो इस माटी की सेवा करूंगा, मेरे मन में एक ही संकल्प है, जितना इस शरीर में जब तक सांस है, प्राण है, खून है, जब तक देवगढ़ के हर एक नागरिक की मैं सेवा करूं, उनके लिए काम करूं, और मैं एक ही उद्देश्य को लेकर इस सीट के ऊपर आया था। लेकिन जब इन आतंकियों के मैंने इनके कारनामे देखे तो मुझे अपने आप में लगा कि मुझे धर्मयुक्त लगना है, मुझे सत्य के साथ खड़ा रहना है। आप पूरे गांव जानते हो मेरी मोटरसाइकिल जो 2006 में मैंने खरीदी थी, उस समय मैंने उसमें लिखा था सत्य पथ गामिनी, कि मैं सत्य के मार्ग को चुनूंगा, और मैंने उस सच्चाई का साथ अब तक नहीं छोड़ा। विधायक जी तुम जितना अत्याचार करना चाहो जितना करना चाहो, लेकिन शोभालाल झुकेगा नहीं, शोभालाल डरेगा नहीं, शोभालाल का सीना तुम्हारे सामने मिलेगा। यदि तुम मेरे कनपट्टी पे बंदूक भी रख दोगे तब भी मैं सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष बनाकर जिले का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री पद का दायित्व देकर मेरा जो गौरव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मैं मरते दम तक इस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और आज मैं शपथ लेता हूँ जब तक जीवन में सांस है इस शरीर में, मैं इस देवगढ़ की माटी के लिए तन मन से सेवा करूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मैं आज माँ भवानी करने की शपथ लेता हूँ कि हमेशा अत्याचारियों से लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, देवगढ़ की आम आम शान के लिए लड़ता रहूंगा, और तुम अत्याचारियों का मुकाबला करूंगा। और दूध का गाय दूध और पानी का पानी, तो जब कोर्ट से फैसला आएगा ऑटोमेटिक होगा, एक देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त कारण नहीं थे, तुमने जो दमनकारी नीति अपनाई, अपने सत्ता मत में छूर होकर समय आपको जोर देगा, देवगढ़ का हर बंदा
जवाब देगा आपको। और मैं देवगढ़ की आन बान के नाते आज मैं शपथ लेता हूँ कि समय आने वाला इन अत्याचारियों को सबक सिखाएगा। अरे हमारी डिमांड क्या थी इस देवगढ़ के नगर की सेवा ही तो थी कि यहाँ के जनमानस को सुविधा मिले, उनका काम हो, दुनिया भर के अतिक्रमण करवा रहे, करोड़ों की जमीन नगर पालिका की बेसकीमती जमीनों को खा गए तुम। अरे इतना तो थोड़ा डरो, भगवान से डरो, समय से डरो। समय जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। विधायक महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ छीन के सूखना साफ कर देता है। इस वजह से आज इस मंच के माध्यम से आगाह हो जाना और आपसे मैं इस जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अत्याचार बहुत कर लिया, अब भी सबक ले लो और देवगढ़ के हित में अपना सर्वांगीण विकास का जो हमारा नारा है उसमें सहयोगी बनो। और मुझे आपकी मंशा भली नहीं लगती है, लेकिन हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। देवगढ़ से आप आशा और अपेक्षा रखता हूँ देवगढ़ की जनता से कि आपके लिए जब मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, तो सदैव आपका आशीर्वाद सुने मिले। जय हिंद जय भारत। देती है ये अगर इतने ही स्पेशल है तो मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूँ इसको डायरेक्टर पटो बना के DLB बिठा दो, यहाँ से रवाना कर दो, ताकि यहाँ की जनता अपने आप में सुकून पाए। यहाँ जब जनता आती है, कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, कोई किसके लिए आ रहा है, महीनों चक्कर कटाते हैं, जबकि ये सब जन्म मृत्यु पंजीयन 8 नंबर कक्ष में ही बैठते 24 घंटा, उनके पास OTP सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन जनता को चक्कर कटाना। और कोई ज्यादा करेगा तो उसको धमकी दी जाएगी कि आपके खिलाफ राजकार्य में मुकदमा दर्ज करा दूंगा। अरे ये अन्याय नहीं तो क्या है? देवगढ़ की जनता पूछ रही है विधायक महोदय से, इतना अन्याय और अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? एक युवक को आपने चौथा बना दिया, अभी 4,000 रुपए भुगतान करके यहाँ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुझे होल दिया गया। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? यहाँ के अधिशासी अधिकारी 3 साल 10 महीने से उस क्वार्टर का उपयोग कर रहा है, मैंने नोटिस दिया, उसको दरकिनार कर दिया और हमें पैसे भुगतान करके हमें उपयोग करना पड़ रहा है। हद हो गई, हमें गाड़ी भी दी जाती है, हमें हक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा। आज मेरे पास देवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष को 25 लाख का वित्तीय अधिकार है, लेकिन मैं कहता हूँ वो टेंडर नहीं लगाए जाते हैं। जो कांग्रेस वाले कहेंगे, विधायक कहेगा, वही टेंडर लगाए जाएंगे। ये दोगला व्यवहार, ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइन बड़ी कर दू, इसके लिए देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लाइन छोटी कर दे, इनको कामों से रोक दिया जाए। ये जनता के हित में काम नहीं कर पाए, ये जनता की रूप से उसकी रूपरेखा तैयार की गई कि कई युवा अपने मार्गदर्शन के अभाव में अपनी प्रतिभा खो देते हैं। ऐसे में उनके लिए बड़ी पुस्तकालय, रोजगार मार्गदर्शन केंद्र, माता बहन जिनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, कोई विधवा है, उनके लिए देवगढ़ हस्तशिल्प के जरिए उद्योग धंधे स्थापित किए गए, आर्ट एंड क्राफ्ट देवगढ़ के नाम से महिला समृद्धि केंद्र हो, देवगढ़ गौरव केंद्र के रूप में बहुत बड़ा चिंतन दिया गया। एक बेट तो बैठे हम कह के इस पत्रावली पे आंख मीच के साइन करने तो करे, वो चाहे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी की विचारधारा को त्याग दे, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के बारे में नहीं सोचे, यानी कि उनके गुलाम बन के रहे, और भले इस देवगढ़ के नाते लगभग 78 बिंदुओं का एक श्वेत पत्र तैयार किया जिसमें देवगढ़ के सर्वांगीण विकास की धारा थी, और करीब करीब इस देवगढ़ को एक नए रूप में हम देख पाए। यहाँ की जनता अपने आप को गौरवान्वित देवगढ़ को देखकर महसूस करे, हर एक गरीब परिवार को जो आवास मिले उनको आवास मिले,
जो दुकान विहीन परिवार है उनको दुकानें मिले,